बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार बोले कांतारा फिल्म पर, तो अभी टाइम में आपको ये तो पता ही होगा कि कांतारा फिल्म कितनी ज्यादा सक्सेस हो रही है। जैसे जैसे इस फिल्म के बारे में लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है इंडिया में इस फिल्म के बारे में लोगों को पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से पूरे सोशल मीडिया पर यही फिल्म छाई हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को पता चलना ही है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई ज्यादातर लोग तो फिल्म के कंटेंट को देखकर ही जा रहे, मतलब फिल्म की स्टोरी देखकर ही देखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसलिए भी देखने जा रहे हैं ताकि वो बॉलीवुड वालों को नीचा दिखा सके। अभी के टाइम में दोस्तों बॉलीवुड का आपको पता होगा कितना ज्यादा बुरा हाल है, हर कोई फिल्म बायकॉट हो रही है। वैसे इसमें पब्लिक की नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स की ही गलती है, क्योंकि दोस्तों आपने ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्में देखी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग फिल्मों में हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। अभी आप लोग ये आदिपुरुष फिल्म आई है इसको ही देख लो, नहीं राम के मूछें रख दी गई है, रावण पूरा मुस्लिम खिलजी लग रहा है। ऐसी कुछ बॉलीवुड वाले गलतियां करते हैं जिसके चलते पब्लिक को मजबूरन फिल्म को बायकॉट करना पड़ता है। खैर हम वापस आते कांतारा फिल्म पर। कांतारा फिल्म दोस्तों धीरे धीरे करके काफी ज्यादा सक्सेस हो रही है, लेकिन बॉलीवुड वालों से ये सब देखा नहीं जा रहा है। तभी पहले अर्जुन कपूर कांतारा फिल्म पर बोले थे कि हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं होने देंगे। उसके बाद आमिर खान भी बोले कि इतने कम बजट वाली फिल्म हिंदी में कोई नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों अब अक्षय कुमार भी इस फिल्म पर बोले। वैसे अक्षय कुमार ने इस फिल्म की कुछ बुराई नहीं की है, बल्कि लाइव आकर पब्लिक को बताया कि ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और इसी के चलते मैं इसका रीमेक बनाने वाला हूं। वैसे यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका रीमेक देखेगा, क्योंकि अगर पब्लिक के पास ओरिजिनल कंटेंट है तो वो रीमेक क्यों देखेगा। और अक्षय कुमार जब तक इसका रीमेक बनाएंगे तब तक तो मुझे लगता है ये फिल्म टीवी पर भी आ जाएगी। तो जब ये फिल्म लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएगी तो लोग इसको पैसे देकर क्यों देखेंगे। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अक्षय कुमार को इसका रीमेक बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे। बाकी चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।